गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिटनेस विद शिव नरेश सिंह खंगारोद पर। आज हम जिस आसन के बारे में बात करेंगे वो है शशांक आसन। शशांक का अर्थ होता है चांद, इसको हम शशांक आसन भी कहते हैं और शशक आसन भी कहते हैं। शशक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है खरगोश, रैबिट, यहाँ हम उसको हेयर भी कहते हैं। जब हम शशांक आसन करते हैं तो हम अपने शरीर की आकृति रैबिट जैसी बनाते हैं, यानी खरगोश जैसी बनाते हैं, इसीलिए इसको रैबिट पोज कहा जाता है। आगे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगें उन्हें शेयर करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं हम शशांक आसन कैसे करना है। सबसे पहले आप वही दरी अथवा चटाई पे आएं और पहले आप आ जाएं दंड आसन में। जब हम दोनों पैरों को इस प्रकार से सीधा कर लेते हैं और हाथों को यहाँ रख लेते हैं तो इसे हम दंड आसन कहते हैं। और दंड आसन में आने के बाद हमें इस आसन को करने के लिए वज्रासन में आना है। दोनों पैरों को हम इस प्रकार से मोड़ लें और इस प्रकार से आ जाए, ये आपका वज्रासन कहलाता है। वज्रासन में बैठें, फिर हम लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिका द्वारा और दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, बिल्कुल सीधे हाथों को कानों से लगाएंगे, भुजाएं कानों से लगाएंगे, हथेलियां सामने की ओर रखेंगे, सांस भरेंगे और सांस को खाली करते हुए हम आगे की ओर झुकेंगे। थोड़ा सा मैं पीछे हो जाता हूँ, आगे की ओर झुकेंगे इस प्रकार से। दोनों हथेलियों को आसन से लगा देंगे, कोहनियों को भी आसन से लगा देंगे, माथा भी आसन से लगा देंगे और आपके घुटने सीने से लग जाएंगे और आपके हिप्स बिल्कुल नीचे रहेंगे, उठेंगे नहीं। ये आपकी पोजीशन रहेगी और फिर सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। हम इसके 3-4-5 रिपीटेशंस कर सकते हैं। सांस भरा, सांस खाली करते हुए आगे की ओर झुके और इस प्रकार से नीचे आ गए। शुरू शुरू में आप जब इसको करेंगे यहाँ से ऊपर आए और फिर दाएं बाएं से नीचे आ जाएं। शुरू शुरू में जब आप इसको करेंगे तो हो सकता है आप ज़्यादा ना रुक पाएँ, 2-3-4-5 सेकंड रुक पाएँ, लेकिन आप प्रयास करें, धीरे धीरे इस प्रयास को बढ़ाएं और आप इसको रिपीट कर सकते हैं, इसके आप रिपीटेशंस करते हैं। तो ये था एक अभ्यास, एक वेरिएशन शशांक आसन का। दूसरा वेरिएशन जो हम कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि आप इस प्रकार से घुटनों को आगे से खोल लें, ऐसे खोल लें और यहाँ से पीछे से पंजे भी खोल लें और वही दोनों हाथों को ऊपर की ओर लें, सांस भरें और सांस खाली करते हुए आगे की ओर झुकें और दोनों हाथों को आगे ले जाएं। कोहनियाँ सीधी, कोहनी आसन से लगी हुई, हथेली आसन से लगी हुई, माथा आसन से लगा हुआ और यहाँ पर आप सामान्य सांस में, जब आप सांस रोक सकते हैं जितने देर रोकें, उसके बाद सामान्य सांस में आप यहाँ पर रुकें जितने देर रुक सकते हैं और फिर सांस भरते हुए ऊपर की ओर आ जाएं और दोनों हाथों को दाएं बाएं से नीचे ले आएं। ये था आपका दूसरा वेरिएशन। और तीसरा वेरिएशन जो हम कर सकते हैं वो इसी प्रकार से है कि आप वज्रासन में रहेंगे, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और राइट हैंड की कलाई को लेफ्ट हैंड से पकड़ लें। इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं, इस प्रकार से पकड़ लें और वही सांस भरें और फिर कमर भाग से आगे की ओर झुकेंगे। माथे को नीचे लगाएंगे और यहाँ पर आप सामान्य सांस में रुकेंगे, जितनी देर रोक सकते हैं रुकें, उसके बाद
सांस भरते हुए वापस आ जाते हैं। और इसका चौथा वेरिएशन, जो लोग थोड़े से मोटे हैं, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जो लोग आगे की ओर आसानी से झुक नहीं सकते, उन लोगों के लिए क्या है कि आप यहीं से इस प्रकार से आगे जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर लेंगे, सांस भरेंगे, खाली करते हुए आगे की ओर जाएंगे, और यहाँ पर हम इस मुट्ठी को इस प्रकार से लगा देंगे। क्योंकि जब पेट बड़ा हुआ होता है, वजन भारी होता है, तो आपसे आगे की ओर झुका नहीं जाता है, तो आप इसको ऐसे रख के फिर यहाँ पर सिर को रख लें, यहाँ सामान्य सांस में रुकें। प्रयास करें हिप्स आपके ना उठें और सामान्य सांस में आप रुकें। घुटने आपके सीने से लगे रहेंगे, हिप्स आपके काफ्स पे रहेंगे, माथा आपका मुट्ठी पे आ जाएगा, और यथाशक्ति रुकें और फिर सांस भरते हुए वापस ऊपर की ओर आ जाएं, और दोनों हाथों को दाएं बाएं से पार्श्व भाग से नीचे ले आएं। तो ये थे हमारे रैबिट पोज या फिर शशांक आसन के चार वेरिएशंस। तो ये हमने बात की कि हमको इसे किस प्रकार से करना है। अब आगे बात करते हैं कि इनको किन लोगों को नहीं करना है। इनको उन सभी लोगों को नहीं करना है जिन लोगों को बीपी की शिकायत रहती है, यानी जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उन लोगों को इसे अवॉइड करना है। उन लोगों को भी नहीं करना है जिनके या तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, या पीठ में दर्द रहता है, या फिर कमर में दर्द रहता है, जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो लोग इस आसन को ना करें। क्योंकि जब हम आगे झुकते हैं, उन लोगों को आगे झुकने के लिए मना किया जाता है जिन लोगों के गर्दन में या फिर कमर में दर्द रहता है, तो वो लोग इस आसन को ना करें, और वो लोग भी ना करें जिनको घुटनों में दर्द रहता है। तो ये तो थी इसकी सावधानियाँ। आप जानते हैं इसके लाभ क्या हैं, इस आसन को करने के लाभ। सबसे पहले तो क्योंकि हमने जैसे कहा शशांक का मतलब चंद्रमा, तो जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है, जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो बिल्कुल शांत और शीतल होता है। यानी हमारा मन शांत होता है, हमें क्रोध नहीं आता है, हमें गुस्सा नहीं होता है, एंग्जाइटी नहीं होती है, डिप्रेशन नहीं रहता है। उसका रीज़न ये है कि जब हम इस प्रकार से वज्रासन में बैठते हैं तो नॉर्मली हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन का प्रोसेस है, नॉर्मल कोर्स में ऊपर से नीचे की ओर सर्कुलेट होता है। लेकिन जब हम इस प्रकार से बैठते हैं तो हमारा ब्लड यहाँ पर रुक जाता है, और जब ब्लड यहाँ रुक जाता है तो उसका प्रवाह ऊपर की ओर ज़्यादा होता है। जब ऊपर की ओर ज़्यादा होता है तो वो ब्लड आपके सिर की ओर भी सर्कुलेट करता है, आपके ब्रेन की ओर सर्कुलेट करता है, और आपके पेट की ओर सर्कुलेट करता है। तो इससे आपका ब्रेन शांत रहेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, और उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिन लोगों का पेट बढ़ा हुआ है, जिन लोगों को कब्जी की शिकायत रहती है, और जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं यहाँ पर, उनको ये हेल्दी बनाता है। ये इसके लाभ हैं। तो इसके आप 5, 7, 8 रिपीटेशंस जितना भी चाहें कर सकते हैं, रोज़ करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो शशांक आसन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। योग और आसन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।